नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी अफगानिस्तान पर कायम हुए तालिबानी राज की, पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल की, मोदी सरकार पर सोनिया गांधी के निशाने की बात करेंगे, टीएमसी से क्यों लग रहा है कांग्रेस को डर, पंजाब में टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने क्या किया बड़ा ऐलान, और बुलेटिन के आखिरी में बात देश की अर्थव्यवस्था के सामने आई मुश्किलों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3 दिन की यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। गांधी पार्क में किया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, बोले महात्मा गांधी की कथनी और करनी में भिन्नता नहीं। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने खेला बड़ा दाव, सीएम अमरिंदर सिंह के विरोधी परगट सिंह को बनाया प्रदेश महासचिव, जिला स्तरीय समन्वयक और जिला इकाइयों के अध्यक्षों की भी होगी नियुक्ति। ओबीसी आरक्षण को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साधा सरकार पर निशाना, कहा केंद्र कर रहा भ्रमित, ज्यादातर राज्य कर चुके 50% की सीमा पार, कोर्ट पूर्व में फैसला दे चुकी है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। शेयर बाजार में आई तेजी, 145 अंकों की तेजी के साथ 55,583 पर पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में आई 34 अंकों की तेजी, 16,563 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंशिता। चर्चा शुरू करने से पहले खबर अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज आ चुका है। देश के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं, वो अमेरिका में शरण लेने की तैयारी में हैं। इस बीच दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में जुटे हैं। सभी के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जिनके फैसले ने आज अफगानिस्तान में तालिबानी राज की वापसी की है। 2 दशक बाद अफगानिस्तान में तालिबान लौट आया है। अफगानिस्तान में अमेरिका की इतनी बुरी पराजय का अंदाजा किसी को नहीं था, यहाँ तक कि अमेरिका के विरोधियों को भी नहीं। जो बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी की समय सीमा 31 अगस्त तय की थी, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि अपने सैनिकों को निकालना भी अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। काबुल एयरपोर्ट का नजारा किसी रेल या बस स्टैंड जैसा दिखाई दे रहा है। हर कोई किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। भारत भी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश में जुटा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान को छोड़कर जो भी हिंदू और सिख भारत आना चाहता है तो उसे लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने के संकेत भी केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। हरदीप पुरी के बयान से साफ है कि सरकार नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू और सिखों को भारत की नागरिकता देगी। अफगानिस्तान की खराब होती स्थिति को लेकर यूरोप के अधिकांश देशों के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति आ गए हैं। अमेरिका में भी बाइडेन से सवाल पूछे जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शनों की झड़ी लगी हुई है। दूसरी ओर अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण का काम भी शुरू हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा कि 2-3 दिन में सत्ता हस्तांतरण का काम पूरा हो जाएगा। तालिबान ने दावा किया है कि उसकी किसी से लड़ाई नहीं है और जो लड़ाई थी वो समाप्त हो गई है। तालिबान ने लड़ाई समाप्त करने के साथ ही साफ कर दिया, जो विदेशी अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहता है उसे रोका नहीं जाएगा, हम सभी से अच्छे संबंध चाहते हैं। इस बीच भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक हुई, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों को लेकर चिंता जताई गई, लेकिन रूस और चीन की ओर से संकेत अलग ही दिए जा रहे हैं। दोनों देशों के काबुल स्थित दूतावास में आम दिनों की तरह ही कामकाज चल रहा है और जल्दी ही ये दोनों देश तालिबानी शासन को मान्यता भी दे सकते हैं। चीन की ओर से तो इसके स्पष्ट संकेत भी मिलने लगे हैं। चीन ने कहा कि वो अफगानिस्तान से मित्रता के संबंध बनाए रखना चाहता है। राजीव जी, तालिबान के शासन से भारत के सामने क्या मुश्किलें आने वाली हैं? हरदीप पुरी का बयान कि वो हिंदू और सिखों को अफगानिस्तान से निकालेंगे, क्या सरकार आपदा में भी अवसर की तलाश कर रही है? उसे हिंदू और सिखों में वोट दिख रहा है या वो ऐसे लोगों की मदद करना चाहती है? मोदी सरकार के पास अफगानिस्तान को लेकर कोई रोड मैप भी है या सिर्फ हम इंतजार ही करते रहेंगे? जी अंशिता, अफगानिस्तान का संकट वाकई बहुत गंभीर है। पड़ोसी देश होने के नाते अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए भी भारत को इस संकट की घड़ी में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि मोदी सरकार जिस तरह बाकी मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी से भाग कर केवल अपने वोट बैंक पर ध्यान लगाती है, बिल्कुल उसी तरह अफगान संकट में भी उसका नज़रिया दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान इसका मिसाल है।
क्योंकि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और उनका वहां से सुरक्षित निकलना ज़रूरी है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। लेकिन हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि अफगान में रहने वाले हिंदू और सिखों को बाहर निकालने के लिए विदेश मंत्रालय और अन्य विभाग सभी जरूरी प्रबंध करेंगे। ये बयान सरकार की संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है अंशिता, और यही आपदा में अवसर का मोदी सरकार का मंत्र भी है। कायदे से तो एक विश्व नेता की तरह मोदी जी को ये आश्वासन देना चाहिए था कि अफगानिस्तान में निर्दोषों पर कोई आंच ना आए, वो इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन वो इस बारे में मौन बने हुए हैं। यानी मोदी सरकार के पास कोई भावी योजना दिखाई नहीं दे रही है कि वो अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार से किस तरह का व्यवहार रखेगी, कैसे दक्षिण एशिया के इस इलाके में शांति स्थापना में अपनी भूमिका निभाएगी, कैसे अपने नागरिकों के साथ साथ अफगानियों की भी मदद करेगी। लेकिन फिलहाल सरकार केवल धर्म के आधार पर मदद कर नागरिकता संशोधन कानून के अपने मकसद को पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद राजीव जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेगासस मामले को लेकर संसद का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था। विपक्ष पेगासस पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा था। विपक्ष चाहता था कि सरकार इस मामले की जांच कराए, लेकिन केंद्र ने विपक्ष की मांग नहीं सुनी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद सरकार फंसती दिख रही है। आज केंद्र के हलफनामे पर कोर्ट में सुनवाई हुई, तो क्या सफाई दी सरकार ने और क्या कहा कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान केंद्र सरकार ने सभी आरोपों को नकारते हुए कोर्ट में 2 पेज का हलफनामा भी दायर किया। इसमें केंद्र ने कहा कि उनकी तरफ से कोई जासूसी या अवैध निगरानी नहीं की गई। केंद्र ने एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर मामले की जांच करने की बात कही है। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाओं का कोई आधार नहीं है, सिर्फ अटकलों, अनुमानों तथा अपुष्ट मीडिया खबरों तथा अपूर्ण या अप्रमाणिक सामग्री के आधार पर याचिका दायर की गई है। लेकिन फिर भी इस मामले की जांच कराने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। तुषार मेहता ने कहा कि ये संवेदनशील मामला है और इसे कुछ लोग सनसनीखेज बना रहे हैं। केंद्र के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह एक सीमित हलफनामा है। हम इस दावे से संतुष्ट नहीं है कि पेगासस का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। जब तक आप जानकारी नहीं देते, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हम आपको विस्तृत हलफनामे के लिए समय दे सकते हैं और समिति की संभावना तय करें। तो साफ है कि कोर्ट सरकार के तर्कों से सहमत नहीं है। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार एन राम और एडिटर्स गिल्ड के साथ साथ अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर आज सुनवाई हुई थी, जिसमें केंद्र पर आरोप लगाए गए थे कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सरकार ने पत्रकारों, राजनेताओं, एक्टिविस्ट, नौकरशाहों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों की जासूसी के लिए किया था। पेगासस पर सरकार ने संसद में भले ही चर्चा नहीं होने दी, लेकिन कोर्ट में उसको जवाब देना ही पड़ेगा। वैसे विपक्ष इस मामले में शांत नहीं है। मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पेगासस जासूसी मामलों सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने महंगाई, वैक्सीनेशन सहित तमाम सवाल उठाए। इस बार संसद के मानसून सत्र में सिर्फ हंगामा मचा रहा। पेगासस, कृषि कानून सहित तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार की घेराबंदी में जुटा रहा। संसद में चर्चा नहीं हुई तो विपक्ष सड़क पर उतर आया। मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पेगासस का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसे लेकर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, विपक्ष को काले कानून या मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर के जरिए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों और एक्टिविस्ट की जासूसी, लगातार बढ़ती महंगाई या बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाने से लगातार रोका गया। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे सिर्फ अपनी छवि चमकाने की चिंता है। सोनिया ने कहा कि हमारे सपनों के भारत के रूप में दशकों की प्रगति के बाद हमारा लोकतंत्र मुश्किल में क्यों है? क्योंकि ठोस गवर्नेंस की जगह खोखले नारे, इवेंट मैनेजमेंट और सत्ता में बैठे लोगों की छवि चमकाने वालों ने ले ली है। सरकार को सिर्फ अपनी छवि की चिंता है। सोनिया गांधी ने देशवासियों से आह्वान किया कि जिस स्वतंत्रता के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया, उसे संरक्षित और मजबूत करने के लिए हमें लड़ना होगा। कांग्रेस नेता ने देश में कोरोना संक्रमण पर भी सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि हम विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक होने पर गर्व करते थे, लेकिन समय पर वैक्सीन का ऑर्डर न दिए जाने के कारण हमारी आबादी के एक छोटे हिस्से का ही पूर्ण टीकाकरण हो पाया है। देश को संक्रमण की संभावित लहरों के सामने बेसहारा छोड़ दिया गया है।
कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने के साथ विपक्ष को एकजुट भी कर रही है, लेकिन पार्टी का फोकस खुद को मजबूत करने में कम दिखाई दे रहा है। बीजेपी तो कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश कर ही रही है, कांग्रेस के करीबी दल भी इस सेंधमारी में शामिल हैं। अभी कुछ दिनों पहले शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस में सेंधमारी भी की थी और अब टीएमसी ने कांग्रेस की एक बड़ी नेता को अपने पाले में कर लिया है। राजनीति में ये कवायद लंबे वक्त से चली आ रही है कि जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है तो उसके नेता साथ छोड़ देते हैं। जहां बंगाल बीजेपी में भगदड़ मची है तो वहीं अब 5 राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का भी यही हाल है। एक के बाद एक दिग्गज नेता साथ छोड़ते जा रहे हैं। असम से कांग्रेस की बड़ी नेता सुष्मिता देव सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना त्यागपत्र सौंपा और ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल में कांग्रेस की पूर्व सदस्य भी जोड़ लिया है। साथ ही महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के आगे भी पूर्व लगाया है। सुष्मिता देव सिंह का कांग्रेस छोड़ना किसी बड़े धक्के से कम नहीं है। सुष्मिता असम के सिलचर से पूर्व लोकसभा सांसद हैं और अभी वो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। उनके पिता बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता थे। सुष्मिता देव सिंह को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता था। हालांकि उनका त्यागपत्र क्यों हुआ है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन असम विधानसभा चुनावों के दौरान भी टिकट बंटवारे को लेकर सुष्मिता देव सिंह की नाराजगी सामने आ रही थी। मगर उसके बाद सुष्मिता देव सिंह कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए बेहद सक्रिय रहीं और विरोध प्रदर्शनों में महिला कांग्रेस की अगुवाई करती रही हैं। ऐसे में पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देना बेहद चौंकाने वाला है। सुष्मिता देव सिंह के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि पार्टी को इस पर मंथन करना होगा कि क्यों सुष्मिता जैसे लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। त्यागपत्र में जहां कांग्रेस में सवाल हैं तो वहीं टीएमसी सूत्रों के मुताबिक सुष्मिता टीएमसी नेतृत्व के संपर्क में हैं और जल्द ही कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी से मिल सकती हैं। तो अब सुष्मिता देव सिंह को लेकर कई कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सुष्मिता देव अब टीएमसी की नेता बन चुकी हैं। बंगाल और असम ये दोनों वो राज्य हैं जहां 3 महीने पहले ही चुनाव हुए थे, इसलिए कांग्रेस के पास यहां खुद को मजबूत करने का समय है। लेकिन पंजाब में विधानसभा चुनाव 5 महीने बाद ही होने हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा ऐलान किया है। क्या कहा है सिद्धू ने, देखिए रिपोर्ट। पंजाब में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल कर सभी दलों को दंग कर दिया था। अब एक बार फिर सूबे में चुनाव होने जा रहे हैं, इसीलिए सत्तारूढ़ पार्टी फिर से पुराने प्रदर्शन को दोहरा कर नया इतिहास रचने की कोशिशों में जुटी है। यही वजह है कि पार्टी ने अभी से टिकट बंटवारे पर मंथन शुरू कर दिया है। किसे टिकट दिया जाएगा, किसका पत्ता साफ किया जाएगा, ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बुजुर्गों का टिकट काटने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पिछले चुनाव की तुलना में अधिक युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। सिद्धू ने एक सभा में युवाओं को लुभाते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि युवाओं को अवसर मिले। उन्होंने घोषणा की कि युवाओं को पहले की तुलना में 1.5 गुना अधिक टिकट मिलेंगे। टिकट बंटवारे पर बोलने के साथ साथ सिद्धू ने अपने संबोधन में विपक्षियों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने बिना आम आदमी पार्टी का नाम लिए कहा कि आप मुझे पार्टी में शामिल करने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। आपने मेरे घर जाकर कहा था कि सिद्धू साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन विरोधियों के इस ऑफर को मैंने ठुकरा दिया क्योंकि मेरे दिल में केवल कांग्रेस पार्टी बसती है और हम उसे जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए हमने तय किया है कि अब की बार ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी की तरफ से युवाओं को टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। अब सिद्धू ने युवाओं को लुभाने के लिए टिकट देने की बात तो कह दी, लेकिन उससे पार्टी में घमासान छिड़ सकता है क्योंकि उम्रदराज नेताओं का नाराज होना तय है। इससे पार्टी में कलह एक बार फिर बढ़ेगी। युवा ताकत और तजुर्बेदार नेताओं के बीच तकरार देखने को मिलेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की अर्थव्यवस्था की। कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। जीडीपी में तेजी गिरावट के साथ ही बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। मोदी सरकार ने जीडीपी को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन ये दावे पूरे होते नहीं दिख रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के कारण कारोबारी गतिविधियों के थमने से देश के आर्थिक हालात बदतर हो गए हैं, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भारत शायद ही वित्त वर्ष 2024-25 तक 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन पाए। देश दुनिया के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का वादा था, उस हिसाब से 2024-25 के अंदर इस लक्ष्य को हासिल करना काफी मुश्किल होगा। इस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के प्रोफेसर बामसी बकुलभरनम का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जितनी 2019 में थी, अगले साल कुछ समय तक उससे भी कम रहेगी।
भले ही सब कुछ भारतीय रिजर्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से मौजूदा विकास अनुमानों के मुताबिक चल रहा हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 की तुलना में अगले वर्ष काफी अवधि तक कम ही रहेगी। वर्तमान में भारत का सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3000 अरब डॉलर से कम है। अगर इसे अगले 4 साल के भीतर 5000 डॉलर तक पहुंचना है तो अर्थव्यवस्था को औसतन 13% से अधिक की दर से सालाना वृद्धि करनी होगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और रिजर्व बैंक ने हाल में वृद्धि दर के अनुमानों को घटाया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा अनुमान के अनुसार अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3% की गिरावट आई। आरबीआई के अनुसार चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 9.5% रहेगी। प्रोफेसर वामसी बकुलभर्णम ने भारत की गिरती अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर सामने रख दी है। आज देश की स्थिति 2 साल पहले यानी 2019 से भी ज्यादा बदतर हो गई है। इससे एक बात तो साफ है कि देश को आगे ले जाने का वादा करने वाली सरकार देश को पीछे लेकर जा रही है। अब कैसे होगा देश का विकास, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।